नमस्कार दोस्तों, एक ऐसा ग्रुप जो पूरा मीडिया में रहा और अब वो मीडिया से बाहर है, लोग उतना चर्चा नहीं करते हैं, और उस ग्रुप का नाम है अदानी ग्रुप। जी हाँ, अदानी ग्रुप काफ़ी सुर्खियों में रहा। हेडनबर्ग रिसर्च का रिपोर्ट आया, उसके बाद बहुत स्टॉक पीट गया और अब लोग उसको भूल रहे हैं धीरे धीरे। तो उस स्टॉक में अभी भी बहुत जान है और 52 वीक्स हाई और लो का हम चर्चा कर रहे हैं। ग्रुप में कुछ भी रिपोर्ट में कुछ भी खराबी नहीं आया। हिडनबर्ग जो आरोप लगाए थे, 24 जनवरी को इसका रिपोर्ट आया था 2023 को, उसके बाद शेयर में ज़ोरदार धुलाई हुई और धुलाई के बाद अब उस पर सब रिकवर भी हो गया अच्छा खासा। लेकिन अभी भी 52 वीक्स जो उनका हाई है उससे अभी भी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो हम जो लोग भूल गए हैं इसके बारे में, हम इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर रहे हैं कि अदानी ग्रुप के शेयरों में किस तरह से कहाँ पे अभी ट्रेड बन रहा है या इन्वेस्ट करने का मौका बन रहा है। देखिए, ये तो तय हो गया है कि कोई भी आरोप इस पर नहीं निकले, प्लस जो रिटर्न जो इनका क्वार्टरली रिजल्ट आ रहा है वो भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो ग्रुप में कोई भी गड़बड़ी नहीं है। वो फॉरेन जो शॉर्ट सेलर थे, शॉर्ट सेलर हम आपको पहले ही बताए थे कि उनका काम ही था शॉर्ट पोजीशन बनाना, यानी पहले शेयर को सेल कर देना। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि पहले आप बाय करेंगे फिर सेल करेंगे, बहुत लोग को ऐसा मालूम होगा। लेकिन फ्यूचर मार्केट में जब ट्रेड होता है तो वहाँ पर पहले आप सेल भी कर सकते हैं, और अगर आप कोई बहुत बड़ा हस्ती हैं तो आप दूसरा काम कर सकते हैं कि उसमें शॉर्ट पोजीशन बना लीजिए, यानी पहले सेल कर दीजिए फिर आप बाय कर लीजिए। तो हिडनबर्ग ने भी यही किया, पहले शॉर्ट पोजीशन क्रिएट किया, पहले शेयर को सेल कर दिया हेवी मात्रा में, उसके बाद उसके बारे में गंदा न्यूज़ निकाला, ख़राब न्यूज़ निकाला कि शेयर में ये गड़बड़ी है, मैनिपुलेशन हो रहा है, बैलेंस शीट गड़बड़ है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस सही नहीं है, फैमिली का सारा लोग हैंडल कर रहे हैं, बहुत सारे आरोप लगाया और ये सब मीडिया ने काफ़ी अच्छा इसको लिया और शेयर मार्केट में इसका ज़ोरदार असर में देखने को मिला। इसके ग्रुप भी टूटे, बहुत टूट गए, और जिन्होंने पैसा कमाना था कमाया। बहुत सारे लोग थे जैसे जी क्यू जी एक पार्टनर है राजीव जैन बोल के, वो अमेरिका के हैं, इन्वेस्टर हैं, तो उन्होंने काफ़ी कम दाम में अदानी इंटरप्राइजेज और अदानी ग्रीन SEC बहुत कम दाम में लिए और पैसा भी कमा लिए। तो जिनको कमाना था तो कमा लिए, लेकिन फिर भी अभी 52 वीक्स हाई लो का हम चर्चा करते हैं। तो आइए समय न गवाते हुए इसको डिस्कस करते हैं। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं पहली बार, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो, इंस्टा पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट शेयर जरूर करें। तो आइए जानते हैं, पहला जानते हैं ACC का। अभी इसका लास्ट LTP आप देख रहे हैं, लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 1777 रुपये। वॉल्यूम आप देख लीजिए, काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है, 190,000 का वॉल्यूम है। मार्केट कैप है इसका 3,33,000 करोड़ का। उसके बाद 52 वीक्स हाई आप देख लीजिए, 52 वीक्स हाई इसका है 2785 रुपये, और 52 वीक्स लो है 1592 रुपये। तो अभी भी अपने जो हाई है, हाई से दूर है ACC सीमेंट। अदानी इंटरप्राइजेस को समझ लेते हैं, अभी इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 2376 रुपये, 52 वीक्स लो है इसका 1017 रुपये, और अभी 52 वीक्स हाई है 4190 रुपये। तो अभी भी अपने 52 वीक्स हाई के आधे दाम में ट्रेड हो रहा है। अदानी ग्रीन को समझिए, 2772 रुपये का 52 वीक्स हाई, 439 रुपये का लो, अभी चल रहा है 962 रुपये में। अदानी पोर्ट को समझिए, 726 रुपये का अभी चल रहा है, और मार्केट कैप हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। 52 वीक्स हाई है 987 रुपये, और 52 वीक्स लो है 395 रुपये। अदानी पावर को जानिए, 241 रुपये अभी चल रहा है, 432 रुपये का इसका हाई है, 132 रुपये का लो है। अदानी ट्रांसमिशन का जानिए, 742 रुपये अभी चल रहा है, और ये देखिए बहुत ऊपर था शेयर, 4236 रुपये का शेयर था ये,
631 रुपए का लो बनाया था, अभी 742 रुपए में चल रहा है। अंबुजा सीमेंट 416 रुपए में अभी ट्रेड हो रहा है, 598 रुपये का हाई है, 315 रुपये का लो है। तो अभी बहुत सारे शेयर ऐसे आपको मिलेंगे जो 52 वीक्स जो लो है उससे थोड़ा सा ऊपर है। ATGL यानी अदानी टोटल गैस 633 रुपये में अभी ट्रेड हो रहा है, 4000 का शेयर था ये, 620 रुपये का 52 वीक्स लो था। और अदानी विल्मर 398 रुपये में भी ट्रेड हो रहा है, 841 रुपये का शेयर था, 327 रुपये में, मतलब ये 52 वीक्स लो के आसपास ही है। NDTV जो इसका मीडिया सेक्टर है 223 रुपये में भी ट्रेड हो रहा है, 573 रुपये में ये ऊपर में ट्रेड होता था, 168 रुपये का लो था। तो ये जो शेयर जितना भी हम लोग डिस्कस किए हैं सारे अभी 52 वीक्स लो से थोड़ा सा ऊपर हैं, बहुत सारे शेयर बहुत सारे ऊपर, जो 52 वीक्स हाई में कोई नहीं है। तो अभी भी इसमें जान है, इसमें अभी भी लगाया जा सकता है, लेकिन चूँकि मार्केट काफ़ी ऊपर है अभी तो थोड़ा सा और गिरने दें, तब धीरे धीरे एकुमुलेट करें, SEP करें, सिस्टमेटिक इक्विटी प्लान करें जिसको बोलते हैं, हर महीना हर दिन हर वीक जैसा आपका पॉकेट अलाउ करे उस तरह से इसमें इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन को समझिए, वॉल्यूम को समझिए, काफ़ी अच्छा है। SEC का जैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन को हम बात करें, 333,000 करोड़ का कंपनी है, 190,000 का वॉल्यूम रहता है इसमें। अदानी इंटरप्राइज का देखिए 270,000 करोड़ का कंपनी है, ये 1.3 मिलियन का वॉल्यूम रहता है, तो वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है। अदानी ग्रीन और मार्केट कैपिटलाइजेशन भी, मार्केट कैपिटलाइजेशन 152,000 करोड़ का है अदानी ग्रीन का, 618,000 का वॉल्यूम रहता है। 156,000 का कंपनी है अदानी पोर्ट्स, 2 मिलियन का वॉल्यूम रहता है। अदानी पावर 93,000 का कंपनी है, 2.5 लाख वॉल्यूम रहता है। अदानी ट्रांसमिशन 82,000 करोड़ का कंपनी है, 598 करोड़ का वॉल्यूम रहता है। अंबुजा सीमेंट 82,721 करोड़ का कंपनी है, 7.5 लाख वॉल्यूम रहता है। अदानी टोटल गैस 6,97,000 करोड़ का कंपनी है, 681,000 का वॉल्यूम रहता है। अदानी विल्मर जो आप फॉर्चून तेल खाते हैं, 551,818 करोड़ का कंपनी है, 845,000 का वॉल्यूम रहता है। NDTV 1,439 करोड़ का कंपनी है, 247,000 का वॉल्यूम रहता है। तो ये हुआ बात कितना वॉल्यूम और कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन और कभी कितना में ट्रेड हो रहा है और कितना में हाई और लो है। तो आप समझ सकते हैं अभी भी अदानी ग्रुप के शेयरों में अभी भी जान है, अभी भी इन्वेस्ट करने का अभी भी मौका है। 52 वीक्स हाई से अभी भी नीचे ट्रेड कर रहा है और कोई कोई 52 वीक्स लो के जस्ट थोड़ा सा ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहे तो अदानी ग्रुप का जो शेयर है उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मार्केट अभी काफ़ी लाइफ टाइम हाई में ट्रेड हो रहा है, इसलिए अभी आप SEP से स्टार्ट करिए। SEP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इक्विटी प्लान, यानी हर महीने हर दिन या हर सप्ताह जैसा आपको पॉकेट अलाउ करे उस हिसाब से इन्वेस्ट करिए, एकुमुलेट करिए। तो अगर जैसे मेरा पसंद अगर बोला जाए तो मेरा पसंद अदानी पोर्ट रहेगा, जो काफ़ी बड़ा कंपनी है और इसमें अभी भी 52 वीक्स हाई का नीचे ही ट्रेड हो रहा है। तो अदानी पोर्ट्स मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से कौन सा शेयर अच्छा रहेगा आप बताइए। अंबुजा सीमेंट भी काफ़ी अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। तो ये सारे स्टॉक्स जो हैं मेरे पसंदीदा हो सकते हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से बताएं, कमेंट करके बताएं कौन सा शेयर में आपको इन्वेस्ट करना अच्छा लगेगा। अदानी पोर्ट, अदानी ग्रीन, अदानी इंटरप्राइज, अदानी पावर, अदानी टोटल गैस, अदानी विल्मर, NDTV, इनमें से कौन सा शेयर आपको अच्छा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। SEC, ये सारे बहुत बड़े बड़े नाम हैं और कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे भी अब सवाल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट भी इसको ग्रीन दे दिया है कि ग्रीन सिग्नल दे दिया कि इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। तो आप समझ बूझ के अपना जो भी है, जो भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट करके छोड़े, टाइम दें। अभी भी 52 वीक्स हाई से काफ़ी नीचे है। तो ये हमने डिस्कस किया अदानी ग्रुप के शेयरों पे। अगर आप वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो करें, इंस्टा पे देख रहे हैं फॉलो करें, और अगर
यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।